हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं सफारी हंटिंग गेम। लास्ट टाइम हमने इसे प्ले किया था जिसमें हमने एलिफेंट को हंट किया था सफारी जंगल में घूमते हुए। आज हम उसी के आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये रहे हम, कार में बैठ चुके हैं। यहाँ से आगे मूव करेंगे जंगलों की तरफ। आज सबसे पहले हम घने जंगलों के बीच पहुंचेंगे, इसके बाद किसी बड़े एनिमल्स को ढूंढकर हंट करेंगे, क्योंकि बड़े एनिमल को हम जितने बड़े एनिमल को हंट करते हैं और जितने डेंजरस एनिमल को उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स हम स्कोर करते हैं। इसलिए आज हम छोटे एनिमल्स को किल नहीं करने वाले हैं, बड़े एनिमल्स को ढूंढ कर किल करेंगे। काफ़ी तेज स्पीड में यहाँ पर हमारी कार, ये कार यहाँ इस फॉरेस्ट में कहीं पर भी फंसती नहीं है ऑफ रोडिंग में। ये सबसे खास बात है इस कार की। जैसे हमारे पॉइंट्स थोड़ा और गेन होंगे, हम कोई दूसरी कार परचेस करेंगे। यहाँ स्टोर पर जाके एक एनिमल हमें दिख चुका है, कार के ठीक सामने है, लेकिन ये कौन सा एनिमल अभी तक हमें ये नहीं समझ आया। कार से बाहर आकर देखेंगे, कोई टाइगर या फिर लॉयन है, मतलब ये बड़ा एनिमल है, डेंजरस है, और ये लॉयन है। हम इसे ज़रूर हंट करेंगे, कार लेकर नहीं जाएंगे, इसके पीछे पैदल जाएंगे और इसे गन से शूट करेंगे। ये अब रुक चुका है यहीं पर, हम गन निकाल लेते हैं सावधानी के साथ और टारगेट करते हैं। जब दूर भाग रहा है लॉयन, ने शायद हमारी गन देख लिया है और वो हमसे दूर भाग रहा है। हम लॉयन के पीछे जाएंगे। अब ये फिर एक बार रुक चुका है टारगेट की कोशिश, फिर से एक बार दूर भाग रहा है ये लायन। यहाँ पर हमें इसे टारगेट करना होगा, वो एक शॉट मिस हो चुका है दोबारा से, तो शॉट मिस। काफ़ी सारे शॉट हमने इस पर बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किल नहीं हुआ। और ये सही शॉट, ये लायन को हमने हंट कर लिया है। अब जाकर हम स्कोर कलेक्ट करने वाले हैं। ये रहा देखिए लॉयन हमारा, ये पड़ा हुआ है लॉयन। काफ़ी सारे शॉट्स बेकार करने के बाद जाकर हम इसे किल कर पाए हैं। 80 पॉइंट्स हमें मिले हैं, 80 पॉइंट्स एक लॉयन को हैंड करने के। वो काफ़ी दूर हमारी कार वहाँ पर पार्क है, खड़ी है। यहाँ दूर दूर तक कोई एनिमल नहीं दिख रहा, चारों तरफ जंगल में, ना ही ऊपर साइड ना ही नीचे तरफ। हम चलते हैं अपनी कार के पास, क्योंकि आसपास कोई जानवर है नहीं, तो हम पैदल जा नहीं सकते। कार को लेकर हमें जाना होगा। कार में बैठते हैं और चलते हैं कहीं दूर जंगलों में, जहाँ पर बड़े डेंजरस एनिमल्स का झुंड हो वहाँ पर, ताकि हम एक बार में काफ़ी सारे एनिमल्स को किल कर सकें। और हम जंगल में जितना ज़्यादा अंदर जाते हैं, उतने डेंजरस एनिमल और काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स एक साथ हमें मिलेंगे। चलते हैं अब आगे, राइट साइड में इस डायरेक्शन में हमें आगे एनिमल्स दिखाई पड़ रहे हैं मैप में। यहाँ पर रुक के देखेंगे, लेकिन दूर कोई एनिमल्स ज़्यादा दिखाई पड़ नहीं रहा, शायद कोई छोटा एनिमल है आसपास। लेफ्ट साइड में एनिमल इंडिकेट है, ये लैपॉड या फिर टाइगर है। वापस से हमने कार उसके पीछे लगा दी है, हमने एनिमल के पीछे लगाई है अपनी कार, और अब बाहर आकर कार से देखेंगे ये लॉयन है या फिर टाइगर, ये लैपॉड या टाइगर, क्योंकि ये येलो कलर का एनिमल है ये लैपॉड। हमें इसका पीछा करना होगा, काफ़ी दूर ये भाग रहा है कार से। इसके पहले भी लॉयन को किल करने में करते समय हम कार से बहुत ही ज़्यादा दूर आ गए थे। एक बार फिर से हम टाइगर को किल करने आए हैं, जो कि काफ़ी दूर आ चुका है। जूम किया और यहाँ पर शॉट, शॉट मिस, काफ़ी शॉट हमारे मिस हो चुके हैं। ये सही शॉट, काफ़ी ज़्यादा शॉट मिस करने के बाद फाइनली हमने इस लैपॉड को किल कर दिया। और अब इसका स्कोर कलेक्ट करेंगे, देखते हैं कितने पॉइंट्स मिलते हैं। 80 पॉइंट्स मिले थे हमें लॉयन को किल करने पर,
और 110, मतलब कि सिर्फ 30 पॉइंट्स ही हमें मिले हैं इस लैपपॉड को किल करने पर। काफ़ी ज़्यादा दूर हमारी कार पार्क है, जो कि हमें आसपास कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रही है। हम मैप के डायरेक्शन के थ्रू पहुँचेंगे, वो नीचे है हमारी पार्क, यहाँ ऊपर हम पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं। चलते हैं कार के पास, क्योंकि जंगल में आसपास कोई एनिमल नहीं है। अटते हैं आगे जंगलों के बीच। पहाड़ में कार को चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसकी स्लो हो गई है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कार चढ़ रही है। 16.3 इस वर्ष डायरेक्शन में के जाएंगे बाद काफ़ी ज़्यादा दूर, 131 रन्स यहाँ पर पर हमें एनिमल्स के झुंड दिखाई ऑस्ट्रेलिया पड़ रहे टीम। हैं। इंडिकेट हो रहे हैं यहाँ पर एलन तीन कैरी एनिमल्स, 31 रन्स पर इस लेकिन बार हम पुश किया और पहले सिंगल एनिमल को किल नहीं करेंगे, फिर से जो कि मरा झुंड के बीच में सिंगल चलेंगे और वहाँ पर जाकर जॉस एनिमल्स हेजलवुड संभाल किल कर रखना करने होगा वाले हमें हैं। इस चारों विकेट को। तरफ यहाँ पर एनिमल्स दिखाई पड़ रहे हैं हमें मैप में, आप बहुत भी ही देख सकते हैं। महत्वपूर्ण विकेट है, एक डॉट बॉल्स और ये लास्ट बॉल है, इसे भी डॉट करेंगे। तेजी के साथ आउट की इस अपील, झुंड के विकेट बीच में के उठते ठीक हुए सामने चले है जा रहे पैर, हैं, लेकिन नॉट आउट, शायद और रिव्यू के ये लिए भी जाएगी। फैन अगर न्यूजीलैंड टीम या तो फिर इचिंग आउटसाइड हॉर्नर्स, ऑफ कोई होगी, हिप्पोपोटामस, रिव्यू कुछ गवाएगी ऐसा टीम, एनिमल रिव्यू के लिए कोई नहीं गई बड़ा है सा न्यूजीलैंड टीम। और बड़े 32 रन्स साइज का पर है एनिमल है एलन कैरी 21 बॉल्स पर। जिसे हंट करने पर हमें काफी ज्यादा एलन कैरी स्कोर मिल सिर्फ एक सकता है, और दो लास्ट एलिफेंट बैट्समैन हमारे हमारे पास सामने बचा हुआ है। दिखाई इसके पड़ते बाद हुए जॉस एजलवुड है, एक जो कि एक पहाड़ बॉलर है। की तरफ अगर काफी हम दूर और एक जॉस थोड़ी एजलवुड दूर को में यूज़ ही करके इन्हें हम आराम बड़े से हिट अपने के लिए गन से शूट जाएंगे, कर तो सकते हैं। बॉल ज़्यादा दूर और नहीं इन जाएगी। दोनों में एलन कैरी मूवमेंट स्ट्राइक स्टार्ट हो में बड़े चुकी हिट है, की कोशिश की, ये हमारी लेकिन नजरों कोई से छूट कनेक्शन जाए, इसके पहले ही नहीं। हम इन्हें मार गिराना चाहते हैं। जल्दी ये बैट चलाए थे एलिफेंट इस हमने बार, सही शूट किया, कनेक्शन, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, पहाड़ के 6 ऊपर रनों वाला के लिए। एलिफेंट गायब हो परफेक्ट चुका है, शॉट, परफेक्ट टाइमिंग, दूसरा एलिफेंट बैट के कहीं बीच में दूर लगी निकल बॉल गया। और हम मिड पहले विकेट के एलिफेंट को ऊपर से चलकर मैक्सिमम। ढूंढते हैं, ये कमाल का रहा शॉट, एलिफेंट, खूबसूरत शॉट हम यहीं से इसे एलन टारगेट कैरी करने के की बल्ले कोशिश से, करेंगे, टारगेट करेंगे इसे, हंट दबाव करेंगे, के बीच बाद ये में सिक्स, स्कोर कलेक्ट करेंगे। एक जो और कि एलिफेंट है प्रोजेक्टेड उसका स्कोर और दिखा रहा इस था, वहां एलिफेंट तक का भी, पहुंचने में काफी मददगार होगा ये कि शॉट। एक शॉट में ही हमने इसे मार गिराया, स्ट्रेट हिट ड्राइव एक शॉट लगाने इसके की पहले जरूर कोशिश, मिस किया लेकिन था। बॉल गई ये कुछ कवर की दिशा वाइल्ड में। फैलो और दो टाइप का रन एनिमल एलन है, कैरी को स्ट्राइक में रखा। वन प्रोजेक्टेड एट्टी स्कोर 70 160 स्क्रीन पॉइंट्स पर मिले आता हैं हमें हुआ। इस वाइल्ड फैलो एक फिर मिड को विकेट किल की तरफ हंट करने पर। पुश किया और दो अब चल रन रहे हैं हम एलिफेंट की एलन तरफ, कैरी को लगातार इसे हमने स्ट्राइक पे हंट रखने किया, की हमारी देखते हैं आखिर कोशिश। कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमें अगली एलिफेंट को बॉल हंट कॉलोनी करने ग्रैंड पर। होम की, बड़े शॉट की कोशिश, सही टू कनेक्शन सेवेंटी नहीं, पीछे फील्डर, मतलब कि 90 किस्मत वाले पॉइंट्स, रहे हम, नीचे कोई सबसे ज्यादा फील्डर नहीं पॉइंट्स था, एलिफेंट को हंट फील्डर करने में अभी थोड़ा तक हमें पीछे मिले हैं, था, बाउंड्री के क्लोज 90 फील्डर था ना, पॉइंट्स। तो और इसी के साथ यहाँ टू पर सेवेंटी पर ऑस्ट्रेलियाई हम पहुंच पारी चुके खत्म हो हैं, सकती थी। कैश भी लास्ट बॉल काफी डॉट किया कलेक्ट जॉस है, एजलवुड ने, एक और एनिमल हमें 43 सामने दिख रन्स चुका है, पर एलन कैरी ये है 26 बॉल्स पर जबरा। 18 ओवर्स के बाद 143 रन्स पर। ऑस्ट्रेलियाई टीम विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 3 रन एक्स्ट्रा काफी सारे मिले अभी शॉट्स तक हम यहाँ पर मिस कर चुके हैं, ये जेब्रा 18 ओवर्स में। कमाल की बैटिंग एलन कैरी जेब्रा की, है या फिर सेवन हॉर्स, रन दूर अपनी हाफ ज्यादा कुछ सेंचुरी समझ में से, तो आ नहीं हाफ रहा, सेंचुरी जेब्रा एलन कैरी जैसे की का कंप्लीट है करवा कर एनिमल रहेंगे। और ये मार गिराया फिर से मिस हुए, बहुत ही ज्यादा दूर, एयरली शॉट, अगली कार बॉल लेकर कैरी के लिए चलेंगे फिर जेब्रा के पुश किया, पास, लेकिन रन नहीं लेंगे। कलेक्ट करेंगे अपना स्कोर, इसी शॉट और इसी नहीं बॉल की पैदल वजह ही से हम अपने जाकर 2 विकेट पहले गवाए थे। कलेक्ट कर लेते हैं। एक और एनिमल हमें एक बार सामने दिख फिर चुका डॉट है, बॉल, अब वो है प्रोजेक्टेड जिराफ स्कोर वाला वन हंड्रेड एनिमल है, अब सिक्सटी इसे फोर का शूट करके करंट किल रन कर रेट के देते हैं, हिसाब बाद में से चलते एक हैं जोरदार पॉइंट आउट कलेक्ट की करने। और एक अपील। ही शॉट में हमने जिराफ को मार गिराया, यहाँ पर रिव्यू काफी टाइमर बड़ा चलता एनिमल है, हुआ, काफी ज्यादा स्कोर फोर्टीन समय इससे गेन हो थर्टीन सकते हैं। 12 11, लेकिन रिव्यू एक के और लिए एनिमल, न्यूजीलैंड टीम गई नहीं। ये पालिन लैपॉड या मुर्रू फिर अगली टाइगर, बॉल, लेकिन ये पहाड़ों के नीचे जा चुका है, अब पहाड़ के ऊपर जाएंगे लेकिन हम मार नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिससे वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये जबरा के पॉइंट हमने गेन किए 280, ये रही हमारी कार। कार लेकर पहुँचेंगे जिराफ के पास, जिसे हमने बहुत दूर शूट करके किल किया हुआ है, उसके पॉइंट हमें कलेक्ट करने हैं। पैदल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग सकता है, इसलिए हम कार से पहुँचेंगे और पॉइंट कलेक्ट करेंगे, और वहीं उसी डायरेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा हमें और एनिमल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए एक एलिफेंट यहाँ पर खड़ा था,
ये जिराफ के ऊपर हमने कार चढ़ा दी है। स्कोर पर के स्कोर पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ कोई एनिमल अभी दिखाई पड़ नहीं रहा। एक एनिमल छोटा सा हमें दिखा, ब्लैक स्पॉट सूट किया है, शायद एलिफेंट है। काफी ज्यादा दूर होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा था। ये लॉयन, लॉयन को अभी किल करते हैं। एक और किल, दो किल्स हमने कंप्लीट किए। लायन को हमें अभी कलेक्ट करने पहुंचना है। बहुत ही ज़्यादा दूर एक एनिमल हमें दिखा है, लेकिन वो एनिमल नहीं, शायद पेड़ है जी, नहीं ये लैपॉड है। ये लैपॉड लगातार मिस होते हुए, टारगेट्स बुलेट्स वेस्ट हो रही हैं, किल नहीं कर पा रहे हैं लैपॉड को। झाड़ियों के पीछे छिप चुका है, इसकी वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हम बस गोली चलाए जा रहे हैं, चल के कलेक्ट करते हैं अपने स्कोर्स। वहीं पर अगर ये एनिमल हमें दोबारा दिखेगा तो इसे हंट करेंगे। ये एनिमल हमें दिख चुका है, पहले एलिफेंट का स्कोर कलेक्ट करते हैं। 430, इसे लेपर्ड को हम हंट करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे काफ़ी सारे शॉट्स बेकार गए। फिर से एक बार ये हमारे नज़र के सामने, लेकिन झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ। इसे हंट करने में सफलता मिली नहीं अभी तक। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। 510 स्कोर के साथ करेंगे इस गेम का एंड।